reply in the question box. Can you hear me? Okay, so first 15 minute candle is bullish, right? Bank Nifty is very strong. Bank Nifty is very strong. Bank Nifty काफी strong है, काफी bullish है. 9-15 candle काफी अच्छा बना है इसने. Let's wait. 5 minute wait करते हैं. Bank Nifty थोड़ा सा volatility ज़्यादा है Bank Nifty में. Nifty तो ठीक है. 456 का low बना है Nifty का. 100 point recover अभी low से. ठीक है. First 15 minute बहुत yes ये हुआ. Okay, Mr. Ritesh Patel. Yes. थोड़ा रुकते हैं मेरे हिसाब से, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है. दो पांच मिनट रुक के ट्रेड लेंगे आज, वोलेटिलिटी ज्यादा है. 40,900. Just wait on a minute. देख लेते हैं एक बार स्टॉक्स कौन से. बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. वोलेटिलिटी भले ही ज्यादा है बट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है. इंडसइंड बैंक ऊपर है, एसबीआई ऊपर है, ये सब चल रहा है. बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग. पहला कैंडल में काफी अच्छा वोलेटिलिटी हुआ, राइट? 17,400 का लो बना के, ठीक है, अच्छा वोलेटिलिटी हुआ. इंडिया विक्स 20 प्लस है, इंडिया विक्स 20 प्लस है तो थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. वोलेटिलिटी ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा है. आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है. यहाँ पे दो मिनट रुकते हैं, रुक के ट्रेड लेंगे, अभी नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ. जस्ट वेट ऑन मिनट. 100 मतलब 4 डॉट, 4 के सामने 6 मतलब 150, ठीक है. Just wait one minute. I'm taking some position as of now. So just wait. ओके, यस, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे. बैंक निफ्टी एचडब्ल्यू कैंडल बना रहा है. यहाँ पे काम करते हैं, 5 मिनट का ये प्लॉट करते हैं और हम लोग प्लॉट करते हैं वीवैप, वीवैप की प्लॉट करते हैं. यस, इसने मॉर्निंग स्टार बना दिया, क्या बात है, इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है. निकल रही है बैंक निफ्टी, निकल रहा है ऊपर.
बैंक निफ्टी निकल रहा है ऊपर, बैंक निफ्टी निकल सकता है ऊपर, मॉर्निंग स्टार बनाया बैंक निफ्टी। थोड़ा सा हमें यस। अच्छा मुझे बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम बता दो सारा, व्हाट इज द एमटीएम? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम बताओ ना मुझे, व्हाट इज द एमटीएम? स्ट्रैटेजी का एमटीएम बता दो जरा मुझे। फाइव हंड्रेड प्लस फ्लैट है, मतलब कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है ठीक है, फ्लैट है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी 4100 के ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगा क्या? 4100 के ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज्यादा है। आंसर इज यस, 4100 के ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मॉर्निंग स्टार बनाया इसने। होल्ड है मिस्टर पीवी मूर्ति, दैट्स होल्ड, होल्ड है। अभी नहीं लगता 18,000 आएगा सितंबर में। मिस्टर दिगेलवा परफेक्टली मॉर्निंग स्टार बनाया, आपको दिख रहा है मिस्टर दिगेलवा? परफेक्टली मॉर्निंग स्टार है, दिख रहा है? ये चलेगा आज तो, ये ऊपर की तरफ चलेगा, शॉर्ट ट्रैप हुए नीचे, शॉर्ट ट्रैप हुए, आज तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। थोड़ा सा डिप देने दो फिर कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा डिप देने दो फिर कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। जस्ट वेलकम बेटा, थोड़ा सा डिप देने दो फिर कॉल बाइंग का ट्रेड हम लोग लेंगे। परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनाया है, विल एफ आई आर रिटेलर? नहीं रुक जाओ, मेरे हिसाब से रुक जाओ, थोड़ा सा डिप देगा ना ये आएगा, 40,800 के आसपास डिप आने दो। नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि देखो 3 दिन से कंटिन्यूअसली ये फॉल आ रहा है, तो आई थिंक आज का फॉल लास्ट डे है ये। देखो यहाँ तो ये आएगा 680 670 तक आएगा, ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 670 680 तक आ जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है, यस बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है। ये निकलेगा अगर ये थोड़ा डिग देगा ना, निकलेगा ऊपर की तरफ। नहीं मतलब ये
41,000 के ऊपर तेजी है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ध्यान दो थोड़ा। 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा बैंक निफ्टी में। स्कैल्पिंग फास्ट ट्रेड कॉल में करना चाहिए, स्कैल्पिंग फास्ट ट्रेड पुट में मत करो, कॉल में करो, कॉल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर लग रहा है थोड़ा, स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं फिर स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स का एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, रडार क्या है। 41,000 के ऊपर मुझे तो शॉर्ट कवरिंग लग रहा है भाई। सन टीवी भी ऊपर आ जाएगा, यस सन टीवी ऊपर आ जाएगा। एमएफएसएल तो चल ही रहा है, एमएफएसएल मैंने आपको बाय बोला भी था अगर आपको याद है। बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग लग रहा है मुझे। मैंने 91 का कॉल ऑप्शन सेल किया है दिव्य नवर, 91 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, या थोड़ा सा मैंने हेजिंग कर लिया उसको। डे हाई बैंक निफ्टी फटा, बैंक निफ्टी फटा दिख रहा होगा, यस और नो। बैंक निफ्टी फटा, यस और नो प्लीज रिप्लाई। बैंक निफ्टी फटा देखो, लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया क्या? मैं सिर्फ डेमो देना है मुझे बस आपको। लॉगिन आईडी पासवर्ड का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया सबने, मोस्ट ऑफ दी आई थिंक मेरे हिसाब से 10-15 लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग डेमो शेड्यूल कर लेते हैं उसका, बस डेमो जल्दी हम लोग शेड्यूल कर लेते हैं। मैंने आपको बोला भी देखो, 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। कैन यू हियर मी मिस्टर आंसर? 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला भी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू। देखो बोलिंजर बैंड चैलेंज बना रहा है, बीबी चैलेंज बना रहा है। दिख रहा है प्लीज रिप्लाई मिस्टर देवे नेवार, बीबी चैलेंज बना रहा है ये 5 मिनट के चार्ट पे। 41,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग है, अभी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है, शॉर्ट स्ट्रैप हुआ है। शॉर्ट्स तो अभी ट्रैप हुए है, शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ है। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे चलना चालू बैंक निफ्टी चल रहा है वन साइडेड। कैन यू हियर मी आवाज आ रही है प्लीज रिप्लाई, कैन यू हियर मी आवाज आ रही है प्लीज रिप्लाई। बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी रहो।
बैंक निफ्टी में रेड है ना। स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार, स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 41,100, क्या बात है। बैंक निफ्टी देखो खाली, मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है सिर्फ, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, चोला सीमेंट, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक चलना चालू हुआ है, एक्सिस बैंक पे ध्यान दो, एक्सिस बैंक लेके जा रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर। एक्सिस बैंक वन साइडेड लेके जा रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर, एक्सिस बैंक। एमएफएसएल चला, एमएफएसएल चला, एमएफएसएल में दो दिन पहले भी बोल रहा था अगर आपको याद है, और ये एक्सिस बैंक लेके जाएगा बैंक निफ्टी को ऊपर। एक्सिस बैंक अकेला वन साइडेड है, कैनरा बैंक भी, आंसर इज यस, कैनरा बैंक भी है स्ट्रॉन्ग, कैनरा बैंक भी स्ट्रॉन्ग है। एकदम से तेजी नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा वोलाटिलिटी रहेगा, थोड़ा डिप भी देगा, ऐसा नहीं कि एकदम से तेजी हो जाएगा, एकदम से तेजी नहीं लग रहा है, थोड़ा डिप भी देगा, ठीक है, थोड़ा डिप भी देगा मेरे हिसाब से, थोड़ा वेट कर लो। एमएफएसएल आया सिर्फ एक बाय, एमएफएसएल ही बाय आ रहा है, वीक हाई एमएफएसएल। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी प्लस हो गया, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी आएगा, पैसा आएगा उसमें, पैसा आएगा। अंबुजा सीमेंट 548, 6% प्लस निकला अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट चलना चालू हुआ। एमएफएसएल चल रहा है, वीक हाई, एमएफएसएल नॉनस्टॉप है, उस दिन नहीं चला आज चल रहा है। 550 टच, 551 अंबुजा, 552 7% प्लस अंबुजा में, क्या बाइंग हो रहा है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, अंबुजा सीमेंट मान लाओ सिर्फ एक ही है, ऐसे मार्केट में भी सिर्फ एक ही स्टॉक चल रहा है, 553, क्या बात है, वन साइडेड। सिर्फ अंबुजा चल रहा है, हाँ रेंज बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली आज का, इंट्राडे बहुत बड़ा रेंज हो गया एक्चुअली, इंट्राडे रेंज बहुत बड़ा हो गया ना, मॉर्निंग में लो बनाया 456 का और अभी ऑलमोस्ट 624, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रेंज हो गया। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी तो यहाँ से और 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, बढ़िया डीप देके जाएगा, ये करंट करंट प्राइस पर रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डीप देके जाएगा ये। स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार, और कोई स्टॉक रेडार पे है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, स्टॉक्स जरा देख लेते हैं कौन सा स्टॉक रेडार पे है। इंडसइंड बैंक तो चल ही रहा है, इंडसइंड बैंक तो नॉन स्टॉप है ही, आईटी में थोड़ा बाउंस आया है, थोड़ा बहुत बाउंस आईटी में है, निफ्टी भी चलना चालू हुआ, अभी निफ्टी भी चलना चालू हुआ है, SBI में बहुत जबरदस्त बाइंग आया, SBI में AU बैंक देखते हैं, मुझे थोड़ा सा ये AU बैंक वीक लग रहा है आज, AU बैंक थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है,
बैंक निफ्टी डिप के लिए रेडी है, वहां मुझे वही लग रहा है, निफ्टी में भी डिप डिप आएगा, मुझे लग रहा है डिप आएगा, एक निफ्टी में भी आएगा, बैंक निफ्टी में भी आएगा, निफ्टी में भी आएगा, एक डिप लग रहा है मुझे। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉल के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट प्राइस पे लेना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉल के लिए वेट कर रहा हूँ। राइट प्राइस पे ट्रेड लेना है, राइट एंट्री पे ट्रेड लेना है, ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो बाद में ट्रेड लेंगे वो चलेगा, बट ऐसे ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉक्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा चलना चालू हुआ, कैनरा बैंक वन साइडेड चल रहा है। कैनरा बैंक चल रहा है वन साइड, कैनरा बैंक फ्राइडे को भी प्लस था, फ्राइडे को भी प्लस था कैनरा बैंक। आईसीआईसीआई में वापस तेजी आया, देखो आईसीआईसीआई में वापस तेजी आया, आईसीआईसीआई चलेगा मुझे लग रहा है, आईसीआईसीआई एक्सिस, आईसीआईसीआई और एक्सिस ये दोनों में तेजी आ रहा है। क्या बात है, क्या कैंडल बना है, वो बहुत जबरदस्त कैंडल बना है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देगा ना, बैंक निफ्टी विल बी अ वेरी गुड बाय, थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे दिया ना, बैंक निफ्टी विल बी अ वेरी गुड बाय, बहुत अच्छा बाय रहेगा बैंक निफ्टी। थोड़ा सा डिप देना चाहिए बस, डिप में इट विल बी अ वेरी गुड बाय, आईसीआईसीआई भी और एक्सिस भी। मैं एग्जिट कर गया बिकॉज डिप आया तो प्रॉफिट चला जाएगा, हाँ डिप आया तो प्रॉफिट चला जाएगा, सही बात है। डिप तो लग रहा है मुझे, निफ्टी में भी डिप लग रहा है, ऐसा नहीं है, निफ्टी में भी डिप लग रहा है, बट ये जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है 17,750 तक ये हाई बना सकता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 41,300 41,400 तक हाई बना सकता है, बैंक निफ्टी भी इतना लग रहा है, 17,750 तक लग रहा है। डिप डिप में आपको बाइंग करना है, बाइंग की तरफ ध्यान देना है, ये श्योर है, डिप में आपको बाइंग की तरफ ध्यान देना है, सेल बिल्कुल भी मत करना ये प्राइस पे। सेल बिल्कुल भी मत करना, डिप में बाइंग की तरफ ध्यान देना है, शॉर्ट बिल्कुल भी मत कर लेना निफ्टी बैंक निफ्टी। डिप आता है तो बाइंग की तरफ ध्यान देंगे हम लोग, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं, नो सेलिंग, ओनली बाइंग, सेलिंग वाला मार्केट नहीं है, बाइंग वाला मार्केट है। एसबीआई लाइफ भी चला, बजाज फाइनेंस चल रहा है, बजाज फाइनेंस ये देखते हैं जरा, बजाज फाइनेंस भी चल रहा है, क्या बात है, वन साइडेड है, कुछ भी बोलो वन साइडेड है, मार्केट वन साइडेड है आज, मार्केट वन साइडेड है आज, वन साइडेड।
मेरा काम हो गया। क्या किया आपने सर? आंसर तेजी किया। हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो पहले ही पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो तो मैंने भी आपको बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो तो मैंने भी आपको बोला मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही लग रहा है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट मुझे 41,500 तक लग रहा है। एक मैंने ट्रेड दिया, देखो चाहिए तो हेजिंग के साथ कर लो तो भी चलेगा। ट्रेड दिया मैंने, चाहिए तो हेजिंग के साथ कर लो। बजाज फाइनेंस लग रहा है भाई, बजाज फाइनेंस पे ध्यान दो। बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस में आप तेजी है। बजाज फाइनेंस चल सकता है। क्या किया आपने मिस्टर द्विवेदी? किया क्या? अच्छा सुवेन का, सुवेन तो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी डिप आएगा, बैंक निफ्टी में बाइंग करना है, एकदम सिंपल है। बैंक निफ्टी में डिप आता है ना, बैंक निफ्टी में बाइंग करना है। निफ्टी 17,750 तक लग रहा है मुझे, इतना तक जा सकता है। 17,750 बैंक निफ्टी, 41,300, 41,400 इतना तक लग रहा है। तो थोड़ा बाइंग के तरफ ही ध्यान देना, सेल बिल्कुल भी मत करना। कौन सा स्टॉक है ये मिस्टर आंसर? क्या डेटा है? कौन सा स्टॉक, कौन सा है? अच्छा बैंक निफ्टी में हुआ ही चेंज। अच्छा बैंक निफ्टी तो मैंने आपको तुरंत बोला, मैंने आपको बोला भी कि बुलिश है। वेबिनार स्टार्ट होते ही मैंने बुलिश का ही बात किया। वो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना है, ये देखो ना यहाँ पे सर आंसर, ये देखो 5 मिनट के चार्ट पे परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। ये भी मॉर्निंग स्टार है, निफ्टी वाला तो और भी ज्यादा परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। दिख रहा है क्या? दिखा मिस्टर आंसर? देखो यहाँ पे परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सेटअप है हमारे हिसाब से, एकदम परफेक्ट सेटअप है। बैंक निफ्टी नया हाई बना सकता है क्या? बैंक निफ्टी नया हाई बना भी सकता है। आंसर इज यस, बना सकता है। मैंने आपको बजाज फाइनेंस बाय लिया, बजाज फाइनेंस देख लेना, नया हाई भी बना सकता है। आंसर इज यस। सत्रह 750 जाएगा ना, तभी शॉर्ट का सोचना इंट्राडे में। अभी शॉर्ट शॉर्ट वगैरह सोचो ही मत। 17,750 जाएगा ना तब शॉर्ट का सोचना, अभी नहीं। 750 तक टारगेट लग रहा है। 41,300, 41,400 बैंक निफ्टी लग रहा है, मतलब बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट और ऊपर, निफ्टी 50 से 70 पॉइंट और ऊपर। शॉर्ट निफ्टी में ध्यान देना है और लॉन्ग बैंक निफ्टी में ध्यान देना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम सिंपल है। आईटी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक्सेल टेक्नोलॉजी आया है रडार पे, आईटी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है आईटी। थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है आईटी ने, बट ये कल का हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अंबुजा सीमेंट क्या चल रहा है? अंबुजा सीमेंट फटा हुआ, अंबुजा सीमेंट तो बहुत जबरदस्त चला है।
क्या वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है अंबुजा सीमेंट में। ये जिस हिसाब का पैटर्न बना है ना इसमें अंबुजा सीमेंट में, ये 650-700 भी हो जाएगा बहुत जल्दी, 650-700 भी हो जाएगा ये जिस हिसाब का पैटर्न बना है ना स्ट्रक्चर इसका डेली चार्ट में। 650-700 भी आपको दिख जाएगा बहुत जल्दी, पॉसिबल इन अक्टूबर और नवंबर। MFSL, MFSL मान लाओ बस सिर्फ MFSL चल रहा है, वन साइडेड होगी। ओनली MFSL वन साइडेड 850। बैंक निफ्टी में डिप तो आया ही नहीं, बैंक निफ्टी में डिप आएगा आएगा, डिप नहीं आया तो अच्छा है, डिप नहीं आया तो इट मींस व्हाट, डिप नहीं आया इट मींस व्हाट, इज इट हैविंग अ मोर स्ट्रेंथ यस और नो। अगर बैंक निफ्टी में डिप ही नहीं आ रहा है इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है क्या? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ज्यादा स्ट्रेंथ है इसका मतलब शॉर्ट बहुत ज्यादा ट्रैप हुए नीचे में। अगर आप लेट से दो लॉट लेने वाले हो ना तो एक लॉट बाजार भाव ले लो, एक लॉट डिप में वेट करो, ऐसा कर लो, एक लॉट बाजार भाव ले लो एक लॉट डिप पे वेट करो। इन पेट्रो पे ध्यान देते हैं, इन पेट्रो ये थोड़ा चलना चालू हुआ है, इन पेट्रो चल रहा है थोड़ा, इन पेट्रो में डिप देगा तब बाय करना है। थोड़ा सा डिप आएगा मार्केट में आई थिंक, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिप आएगा उसके बाद तेजी है वापस। रिलायंस खींचना चालू हुआ, रिलायंस 2500 का सपोर्ट लिया है, रिलायंस रिलायंस खींचना चालू हुआ है। रिलायंस मान लाओ क्या बात है 2520, रिलायंस में आया तेजी, रिलायंस रिलायंस पे ध्यान दो। आज रिलायंस चल रहा है वन साइडेड, ये देखो रिलायंस चल रहा है, रिलायंस पे ध्यान दो। बैंक निफ्टी 41,200 मान लो खुला तेजी, बैंक निफ्टी 41,200 खुला तेजी है। यस खुला तेजी है, बैंक निफ्टी में खुला तेजी चल रहा है वन साइडेड। क्या रिकवरी किया बैंक निफ्टी, ऑसम बेस्ट, बहुत जबरदस्त रिकवरी किया। स्ट्रैटेजी तो छोड़ ही दो, स्ट्रैटेजी में तो बड़ा पैसा बनाएंगे, स्ट्रैटेजी तो भूल जाओ, ट्रेड ही नहीं किया ऐसा समझ लो। इस बार भी स्ट्रैटेजी में बड़ा पैसा बनाएंगे मिस्टर अंसर, 40-50 हजार के नीचे रुकना नहीं है उसमें, 40-50 हजार तो चाहिए चाहिए, रुकना नहीं है, 40-50 हजार के नीचे रुकना नहीं है हमें, चाहिए चाहिए उतना। ऐसे ऐसे पॉजिटिव हो चुका है, ऐसे ऐसे भी चलना चालू हुआ। देखो चलने दो, हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कोई डिप आता है ना डिप में बाइंग की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, सेलिंग बिल्कुल भी मत करना, डिप में बाइंग की तरफ ध्यान देना है। 41,000 के आसपास डिप आएगा तो बाइंग कर रहे हैं, 41,100 के आसपास, ठीक है, बाइंग की तरफ ही ध्यान देना, सेलिंग की तरफ ध्यान मत देना। इंट्राडे में तो एटलीस्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, बाइंग की तरफ ही ध्यान देना।
सेलिंग के लिए स्टॉक कोई आया नहीं है। टीवीएस मोटर आया बाइंग में, रिलायंस आया बाइंग में, टीवीएस मोटर देखते हैं जरा। टीवीएस मोटर चलना चालू हुआ, क्या बात है। टीवीएस मोटर, ये सब स्टॉक्स में बाइंग आ रहा है, नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है सब स्टॉक्स में। ये सब स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है। ये भी बीबी चैलेंज करेगा तो फटेगा, ये भी टीवीएस मोटर, ये भी फटेगा। एचपीसीएल फटना चालू हुआ, एचपीसीएल चलना चालू हुआ, हिंदुस्तान पेट्रो। हिंदुस्तान पेट्रो चल रहा है वन साइडेड। बीएल में उतना तेजी नहीं आया है, उतना तेजी नहीं आया बीएल में, बट चल रहा है। ग्रैन्यूल्स पे ध्यान देते हैं, ग्रैन्यूल्स एक नया स्टॉक आया रेडा, ग्रैन्यूल्स। और ये क्या फटा है ग्रैन्यूल्स, ओहो। कैन यू सी व्हाट इज द ब्रेकआउट, जस्ट लुक एट द ब्रेकआउट, क्या बड़ा ब्रेकआउट आया, दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई। ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मान लाओ है, चलने वाला है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स तो रुकेगा भी नहीं, बहुत जबरदस्त चलने वाला है ग्रैन्यूल्स। अरे एक्सपायरी वीक है ना, 19 तारीख है, थोड़ा सा कॉल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस हम लोग ठीक है, थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक सेकंड रुको। स्टॉक ऑप्शंस लेना, स्टॉक ऑप्शंस ले नहीं सकते बिकॉज थीटा डीके बहुत फास्ट होगा, प्रॉब्लम ये है, थीटा डीके बहुत फास्ट होगा ना। 19 तारीख है आज, 29th को चालू हो जाएगा, 29th को एक्सपायरी है, 10 ही दिन बचा है। ग्रैनुअल्स में तेजी लग रहा है, यस। आपको थोड़ा सा ना इसको कैश सेगमेंट में लेना पड़ेगा, या तो कॉल तो नहीं ले सकते। बैंक निफ्टी में आया देखो डिप, बैंक निफ्टी में डिप बोल रहा था, आया देखो, बैंक निफ्टी में डिप आया। मैकडॉवेल चलना चालू हुआ, बैंक निफ्टी डिप आके देखो कितना फास्ट ऊपर खींचा है, दिख रहा है, डिप आया लेकिन डिप आके देखो कितना फास्ट ऊपर खींच रहा है, डिप आया लेकिन डिप के बाद देखो कितना फास्ट ऊपर खींच रहा है। निफ्टी भी बिल्कुल भी वीक नहीं है, बिल्कुल भी सोचना भी मत निफ्टी वीक है, सोचना भी मत। मिस्टर आंसर, मुझे नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी 41,300-400 बना देगा आज, आज निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, इतने दिन सपोर्ट नहीं कर रहा था निफ्टी, आज निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, ये एक समझो। इतने दिन ना निफ्टी वीक था, निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज फर्स्ट टाइम निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी भी सपोर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा, ऐसा है।
आई थिंक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में डिप तो मुझे नहीं, हो गया बस, डिप तो आ चुका है अभी और तेजी लग रहा है मुझे तो बैंक निफ्टी में। मुझे तो नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में कुछ मंदी आएगा यहाँ से या कुछ भी रेजिस्टेंस, आई डोंट थिंक रेजिस्टेंस यहाँ, मुझे नहीं लगता रेजिस्टेंस है यहाँ। इनफैक्ट ये लेवल अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इसने, ये लेवल पे दिस इज अ फ्रेश ब्रेकआउट, अभी 41,300 41,400 ये टारगेट तो मिनिमम लग रहा है, इतना तो से ऊपर भी जा सकता है लेकिन इतना तो मिनिमम लग रहा है। 17,700 तक ये लग रहा है निफ्टी, 700 750, 750 ऑन द हायर साइड पर 700 तो लग रहा है। ₹750 ऑन वेरी हायर साइड, ठीक है कुछ भी ट्रेड रहा आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना एंड बाकी मैंने ट्रेड दिए हैं अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट बुक करना है। थोड़ा सा ट्रेल एसएल भी करना स्मार्टली, सिर्फ प्राइसेस को देखना नहीं है, थोड़ा सा ट्रेल एसएल भी करना क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। वी आर अब अबाउट 20 इन इंडिया वीक्स, 20 के ऊपर इंडिया विक्स तो वोलेटिलिटी भी रहेगा, तो थोड़ा ट्रेल एसएल भी करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, 2:30 बजे मिलते हैं आफ्टरनून में, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।